आज की शुरू में मैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के स्टूडेंटों के लिए मैथमेटिक्स से चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसे बताने का प्रयास करूंगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि तीसरे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और चौथे चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इससे पहले मैं पहला चैप्टर जो रियल नंबर है और दूसरा चैप्टर जो पॉलिनोमियल है उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया हूँ कि इससे कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कितना सब्जेक्टिव है। फिलहाल इस वीडियो में मैं चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के बारे में बताऊंगा और जितने भी बताऊंगा वो एनसीईआरटी बुक से होंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक होंगे। तो देखिए, आप लोगों को सबसे पहले अपने बुक का चैप्टर नंबर 3 उलटाना है जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण की जोड़ी। तो इसको आप लोगों को उलटाना है और इसके बाद एक्सरसाइज 3.1 पे आना है, ठीक है। 3.1 में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों का वो मैं आप लोगों को बता दूं कि 3.1 से आप लोगों को एक भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएँ नहीं लग रहा है, तो इसलिए 3.1 में कोई नहीं है। 3.2 में आना है आपको। 3.2 में जो क्वेश्चन आप लोगों को इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों का यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पहला का पहला, ठीक है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित के पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। और ये MBBI क्वेश्चन है इसीलिए आप इसे जरूर याद रखेंगे, ठीक है। इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को नीचे दिखा देता हूँ। और देखिए, आप लोगों को केवल इसको ज्ञात करना है, ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है, आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि इसमें ग्राफीय विधि भी कह रहा है लेकिन आप लोगों से बोर्ड में ग्राफीय विधि नहीं पूछा जाएगा। केवल उसका जो लड़कों तथा लड़कियों की संख्या है उसे आप लोगों को ज्ञात करना है। आप जिस भी विधि से निकाले उससे कोई डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो आप लोग जान गए होंगे, तो पहला का पहला आप लोगों को याद रखना है। तो देखिए, अब उसके बाद जो है उसी में आप लोगों को मिल जाएगा इस तरह के क्वेश्चन। दूसरा में जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बेसिस पे मिल जाता है कि जैसे ये आप लोगों को इक्वेशन दे देगा, दो इक्वेशन दे देगा आप लोगों को, और दोनों इक्वेशन देने के बाद आप लोगों से पूछा जाएगा कि बताइए कि ये जो समीकरण है वो प्रतिच्छेदी है या समांतर है या संपाती है। तो इसका टर्म्स एंड कंडीशन आप लोगों को याद होगा कि a1 / a2 बराबर b1 / b2 बराबर c1 / c2, तो इस प्रकार से रहता है। तो क्या होता है, a1 / a2 बराबर नहीं b1 / b2 रहता है तो क्या होता है, इसके बाद a1 / a2 बराबर b1 / b2 बराबर नहीं c1 / c2 रहता है तो क्या होता है। तो यही आप लोगों को पूछा जा रहा है, तो आप लोग को इस चीज को अवश्य याद रखना है और इस टर्म्स को आप लोग जरूर याद रखेंगे, तो आप लोग का अच्छा मार्क जो है वो बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। इसके बाद देखिए, आप लोगों को मैं बता दूं कि यह तीसरा में भी आप लोगों को यही पूछा जा रहा है कि संगत है या असंगत है। तो आप लोगों को याद रखना है कि जब a1 / a2 बराबर b1 / b2 बराबर c1 / c2 रहेगा तो ये संगत होगा। इसी प्रकार से एक संगत का और भी रूल होता है, a1 / a2 बराबर नहीं b1 / b2, तो ये भी जो है वो संगत है। इसके बाद जो है आप लोगों से पूछा जाएगा a1 / a2 रहेगा और b1 / b2 रहेगा बराबर नहीं c1 / c2 रहेगा, तो इस स्थिति में जो ये समीकरण का निकाय होगा वो असंगत होगा। तो आप लोग इसको इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप लोगों को यहाँ पे ग्राफ जो पूछा जाता है 5 नंबर में, तो आप लोगों को देखिए इसमें चौथा में जितने भी इक्वेशन का ग्राफ बनने वाला होगा वो VBA है। जैसे देख सकते हैं कि पहला इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है तो वो 5 नंबर में आप लोगों से पूछा जा सकता है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोगों को ये पहला का पहला आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद जो है कौन सा क्वेश्चन का ग्राफ बना, तो तीसरा का, तो तीसरा भी आप लोगों को याद रखना है। तो पहला और तीसरा जो है इसमें ग्राफीय विधि से हल करने वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहला और तीसरा, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। इसके बाद आ जाते हैं आगे, आगे के बाद आप लोगों को 6 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन जो कि VVI क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है भाग की बीमाएँ ज्ञात करें। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और इसका अर्ध परिमाप दे दिया गया है आप लोगों को 36 मीटर। तो आयतकार बाघ जो है उसकी लंबाई पूछ रहा है और चौड़ाई पूछ रहा है, तो आप लोगों को इसका क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से आप लोग दे देंगे। तो ये ग्राफीय विधि से बनाना उचित नहीं है, आप लोगों को जिस विधि से भी होता है आप लोग उस विधि से बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि बीमाएँ को मान लेना है, माना आयत की लंबाई एक्स है, चौड़ाई जो है वो वाई है, तो दोनों का जो एक्स और y है उसका मान जो है वो आप लोगों को सबसे पहले करना क्या है, तो लंबाई और चौड़ाई, तो x + y अर्ध परिमाप दिया कितना है तो आप लोगों को देना है 36, जबकि आप लोगों को पता है कि अर्ध परिमाप जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले परिमाप जो होता है वो 2 × l + b होता है। अब अर्ध परिमाप है तो इसको क्या कराया जा सकता है कि 2 से आधा कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 2 और 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, x + y = 36। तो इक्वेशन 1 इसको मान लेंगे। इसके बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो सबसे पहले लंबाई और बराबर चौड़ाई कर देंगे, ठीक है। तो लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो किस में जोड़ेंगे तो बराबर हो जाना चाहिए, तो चौड़ाई में 4 जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप लोगों को उस प्रकार से भी इसे इक्वेशन हो जाएगा आप लोगों का। तो आप लोग इस प्रकार से उसे हल कर लीजिएगा एक्स और वाई का मान ज्ञात करके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोग को आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.3 में। तो 3.3 में आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि एक हल करने वाला याद रखना है, जिसमें आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 जो है पहला का वो याद रखना है। इसके बाद जो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 ये याद रखना है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आप लोगों से मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें कह रहा है कि इसका मान जो है ज्ञात करने के लिए इसका, तो आप लोगों को इसे भी याद रखना है। और ऐसे आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि हो या बजगुणनखंड विधि हो वो आप लोगों को याद होगा, तो इसमें किसी भी विधि का फॉलो करके आप याद मान रख सकते हैं। अगर पूछा जाएगा प्रतिस्थापन विधि, तो आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से ही करना होगा। और इसमें देखिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुनी है, उन्हें ज्ञात करिए। इसके बाद दो संपूरक कोण वाला याद रखेंगे। इसके बाद जो है आप लोगों को याद रखना है कि टैक्सी का भाड़ा, तो ये क्वेश्चन जो है वो ऐसे इंपॉर्टेंट है, अन्यथा ये 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो एमबीबीए क्वेश्चन है, ये आप लोगों को पता होगा, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। और 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को 5 नंबर में पूछा जाएगा। इसी प्रकार से 6 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसीलिए आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद इस चैप्टर से जो सोल्यूशन है वो तो हो गया। इसके बाद आ जाते हैं 3.4 पे। तो 3.4 जो है वो आप लोगों को विलोपन विधि, तो विलोपन विधि से आप लोगों को इसको हल करना है। तो विधि आप लोगों का इक्वेशन कुछ भी रहेगा तो विधि आप लोगों को पता रहेगा कि कैसे हल करना है, तो आप लोग आसानी से ज्ञात कर लेंगे इक्वेशन कोई भी रहेगा। तो इसमें तो डिपेंड नहीं करेगा कि आप लोगों का कौन VBA है, ठीक है। तो फिलहाल इसको आप पहला और दूसरा याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है आगे का क्वेश्चन मैं आप लोगों को देख लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को बता देता हूँ। तो दूसरा का जो है पहला याद रखेंगे, इसके बाद जो है आप लोगों का यहाँ पे तीसरा याद रखेंगे, और इसके बाद दूसरा याद रख लेंगे। इसके बाद जो है वो आप लोगों का इंपॉर्टेंट 1, 2, 3 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है आ जाते हैं 3.5 पे। तो 3.5 में आप लोगों का जो पूछा जा रहा है, इसमें बजगुणनखंड विधि पूछा जा रहा है, तो बजगुणनखंड विधि आप लोगों को पता होगा ऐसे, और नहीं पता है तो मैं प्रयास करूँगा कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करा दूँ कि आप लोगों का आसानी से पता हो, और नहीं पता है तो आप लोग अपने टीचर से भी सलाह लेंगे। देखिए सबसे पहले आप लोगों को बजगुणनखंड विधि पहला का बना लेना है, उसके बाद जो है आप लोगों का चौथा का बना लेना है। इसके बाद जो है आप लोगों का इसमें 3.5 में जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं, उसके बाद अगर नहीं रहेगा तो मैं आप लोगों को आगे का प्रक्रिया मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। तो फिलहाल एक क्वेश्चन मुझे लगा इम्पोर्टेंट है, तो उसे मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर चौथा में जो है आप लोगों का याद रखना है, वो चौथा का तीसरा याद रखना है। 3.5 में चौथा का तीसरा क्वेश्चन एक भिन्न जो है 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद 5 नंबर में क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जाएगा, वो 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग है इकाई है कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 मीटर कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाते हैं। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पे एक्सरसाइज 3.6 पे आ जाते हैं। तो 3.6 में जो है आप लोगों को जो यहाँ पे पूछ रहा है कि समीकरण युग्म क्या समीकरण युग्म में बदले, तो आप लोग रैखिक समीकरण के युग्म में बदले, तो आप लोगों को ये तो हो ही जाएगा। तो आप लोगों को ये बदलना ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बदलने के लिए नहीं बोला जाता है, केवल आप लोगों को इसका एक्स वाई का मान ज्ञात करने के लिए बोला जाता है। इसके बाद देखिए आप लोगों का यहाँ पे 3.6 से आप लोगों का एक दूसरे नंबर का पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋतु धारा के अनुकूल इतना 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो इसका याद रखना है। इसके बाद 2 महिलाएं इतना काम कर सकती है, तो इसमें 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। इसके बाद इस चैप्टर का जो 3.6 तक का है जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टी वेरिएबल्स है, तो इसमें से आप लोगों को इतना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता देता हूं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों को सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1 पलटना है। इसमें देखिए आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए दे देता है, तो आप लोग इसे सोल्व करने का प्रयास करेंगे सभी सब क्वेश्चन को, क्योंकि इसी से क्वेश्चन एक आते हैं ऐसे। ये 6वां नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे।
इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही आप लोगों का आ जाता है यहाँ पे। देखिए इससे ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फिक्स रहता है इसमें, जितने भी क्वेश्चन है चार में, चार में से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है आप लोगों को, तो आप लोग चार में से चारों क्वेश्चन को याद रखेंगे। इसके बाद जो है आप लोगों का इस टॉपिक जो है एक्सरसाइज 4.1 समाप्त होता है। 4.2 में आते हैं, तो 4.2 में आप लोगों का द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। तो देखिए आप लोगों को एक क्वेश्चन इसमें से भी फिक्स रहता है मूल ज्ञात करने के लिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्मूले पर अगर निकालते हैं तो इसका मूल, इसका विवेचक निकलता है, विवेचक के बाद अगर वो संख्या जीरो से बड़ा होता है तो उसका क्या निकलता है, जीरो या दूसरा जीरो से बड़ा होता है तो उसका मूल निकलता है। तो इस प्रकार से आप लोग इसका डी के सहारे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, आसान रहेगा। इसके बाद जो है इस प्रकार से सॉल्व हो गया तो आप लोगों को यहाँ पे एक क्वेश्चन और मिल जाएगा जो कि VVI क्वेश्चन है, ठीक है, MVVI, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 और गुणनफल 82 हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखेंगे। और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आप लोगों को यहाँ पे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या इसे वीडियो को रुका करके भी आप इसका आंसर नोट डाउन कर सकते हैं जैसा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जो है चौथा नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चौथा के बाद पाँचवा, चौथा भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौथा के बाद पाँचवा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इतना क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। इसके बाद आ जाता है एक्सरसाइज 4.3 में। तो 4.3 का वही आप लोगों को कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि, ऐसे तो पूछता नहीं है फिर भी आप लोग इसे याद रखेंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि अभी नहीं पूछा जा रहा है अभी बोर्ड में, तो आप लोग इसका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से याद रखें ना रखें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आप लोगों का हो जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे नहीं पूछता है इस चैप्टर का वो पूर्ण वर्ग विधि। आप लोगों को क्वेश्चन याद रखना है यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन, चार नंबर क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। चार के बाद जो है आप लोगों को छः नंबर क्वेश्चन याद रखना है। छः के बाद जो है आप लोगों को यहाँ पे सात नंबर क्वेश्चन याद रखना है। सात के बाद आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो कोई पूछने का संभावना नहीं लग रहा है, जिस हिसाब से अब पैटर्न है। तो आप लोग इस हिसाब से हमने सभी जो है पहला तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर, तीसरा चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का बता दिए, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने बता दिया। तो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इसके बाद ट्रायंगल्स के।